फ्रंट वेरिएशन के बाल किए हैं, यहाँ पे हमारा पफ क्रिएट होगा और नीचे बन क्रिएट है। बन में यहाँ पे अभी जब मैं ये वेरिएशन दिखा रही हूँ उसमें प्लेन बन रहेगा तो भी चलेगा, आप लाइंस वाले बन रखोगे तो भी चलेगा, दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्रंट वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट वेरिएशन में सबसे पहले मैं साइड पार्ट कर रही हूँ, जब हम फ्रंट वेरिएशन साइड पार्टिंग से करते हैं तो पहले इसको ये साइड को सेट कर देते हैं अच्छे से। नॉर्मली इसको भी पफ के पार्ट में ही ऐड कर देते हैं, ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे अभी हम नहीं करेंगे, जो एक ही साइड में वेरिएशन है। यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया यहाँ से लेके, मेन वेरिएशन हमारा ये पार्ट है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अच्छे से कॉम्ब करो, पूरा पार्ट लिया है, बॉक्स पार्टिंग नहीं लिया है मैंने, पूरा पार्ट लिया है। हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, यहां से स्ट्रेट टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पीछे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ऊपर लो थोड़ा सा, अच्छे से कॉम्ब कर लो, डाउनवर्ड मोशन। इसको ये पीछे के पार्ट को हम आगे की तरफ टर्न करेंगे, टर्निंग मैंने कितनी लूज ली है देखना, बहुत टाइट टर्निंग नहीं की है। ये टर्निंग को हम एकदम पीछे तक, जहां तक हमारे बाल है वहां तक हम लेके जाएंगे, यू पिन से ही इसे होल्ड करेंगे, लॉक मत कर देना बॉबी पिन से। अभी ये साइड के पार्ट को हम पुलिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं। इसमें जैसे जैसे एक एक टर्न दिख रहा है आपको, आपने जहां जहां पे टर्न किया रहेगा ना, दिख रहा है एक एक टर्न, वो टर्न को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आगे का पार्ट उठाओ, यू पिन लो और होल्डिंग के लिए रख, यू पिन मैंने अपवर्ड डायरेक्शन रखी है और थोड़ी वो साइड वापिस ही इसके बाजू में दूसरा पार्ट, यहां से यहां तक का बड़ा पार्ट है मेरा स्टार्टिंग में ऊपर से ही। सेकेंड पार्ट, सारे पार्ट को ऐसे ही इसके बाजू में देखो, थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको ओपन करूंगी। ये सिर्फ फ्रंट वेरिएशन से ही इतना लुक चेंज हो जाता है हेयर स्टाइल में, तो मेन इम्पॉर्टेंट टेक्निक अच्छे से सीखो क्या क्या वेरिएशन है। यहाँ पे एक पार्ट हुआ, ये पार्ट को कंटिन्यू कभी भी कैसे करेंगे, ये एक पार्ट की लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है तो इसके बाजू से ही दूसरी लाइन उठाओ। जहां पे टर्निंग होगा ना आप करोगे तो आपको भी आइडिया आएगा, जो जो टर्निंग है उस टर्निंग को उठाओ, आपका यू पिन, ये साइज का यू पिन कंपलसरी, इतने साइज बड़ा डालो, बस
डालने के बाद अगर आपको लगता है कि इतना अच्छे से नहीं आया तो और उसको पकड़ो और ऊपर खींचो। जितना अच्छे से पुल करोगे उतना अच्छे से आपका वेरिएशन दिखाई देगा। दूसरा पार्ट लिया, पिन किया, यही पुलिंग टेक्निक करते करते हमें पीछे तक जाना है। पहले सिर्फ पुलिंग करो और एक एक पार्ट को सेट करो, बाद में ही हार्ड स्प्रे करना। हार्ड स्प्रे करने की जल्दी नहीं करना है। ऊपर के डायरेक्शन में ले रही हूँ अभी। देखो एक पार्ट और मैंने एकदम नीचे से लिया है, एक पार्ट सेट हुआ, सारे पोजीशन आपके सारे पार्ट पुलिंग अच्छे से दिख रहे हैं। फिर एक एक पार्ट को आपको स्प्रे करना है, एक एक पार्ट स्प्रे करो, उसको प्रेस कर दो। दूसरा पार्ट लो, स्प्रे करो, प्रेस करो, अपनी फिंगर को प्रेस करते जाना है। एक हाथ से स्प्रे मारते जाओ, एक हाथ से सिर्फ प्रेसिंग करो। अभी आप बोलोगे कि मुझे ऊपर खींचना है, नहीं है स्प्रे के बाद, तो वो पॉसिबल नहीं। जो भी आपको फिनिशिंग लेवल करना है पहले ही कर दो और फिर उसको स्प्रे करो, बिकॉज ये हार्ड स्प्रे है। हार्ड स्प्रे एक बार हो गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और जितना काम आपकी दोनों नाखून से करोगे ना उतना वो स्टिकनेस कम होता है स्प्रे का, और यहाँ पे करोगे ना चिपक जाएगा। तो जितना बने उतना ऑपोजिट फिंगर लेके आपको नेल से उसको स्प्रे करो, प्रेस करो। देखा मैंने एक-एक-एक-एक ही कर लियो, एक साथ नहीं कर लियो। एक प्रेस करो, ये वन साइड हुआ मेरा। अभी सेकेंड स्टाइल, अब जब यहाँ पे हम करते हैं तो कभी कभी ये पूरा ऊपर होता है, किसी का फॉरहेड बहुत बड़ा रहेगा ना तो ये दिख के आता है, फॉरहेड छुपता नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट साइड में रख देंगे और ये पार्ट को सबसे पहले शाइन स्प्रे, इसको अभी हम ये साइड के पोर्शन को, हमने ये साइड टर्न किया, ये वाले पोर्शन को अंदर साइड। और उसके नीचे से ही लेंगे दूसरा। यहाँ पे लॉक कर दो, यहाँ पे उसका एंड हो रहा है। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने एक 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 निकाला, वैसे ही हम अभी यहाँ पे निकालेंगे।
अंकिता अंकिता परत दाखव ना, टर्न करून दे. सिर्फ इसको लिया, बहुत ऊपर से मैंने टर्न नहीं किया, देखो हल्का सा नीचे मेरा हैंड आईब्रो लेवल के नीचे है, यहाँ से लिया, इतना पार्ट तो हमें चाहिए. अगर इतना ऊपर से किया तो इतना टर्न हो जाएगा, तो वो टर्निंग हमें नहीं दिखाना है. इतना हम टर्निंग यहाँ से नीचे से एकदम लूज अंदर के साइड टर्निंग है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए. लेकिन ऑपोजिट भी कैसे, पीछे वाला पार्ट बाहर के साइड में टर्निंग और बाहर वाला पार्ट अंदर साइड टर्निंग. ये टर्निंग, ये टर्न किया, एकदम लूज टर्न है, बहुत टाइट टर्न नहीं है, बस हल्का हल्का टर्न कर रही हूँ, घुमा रही हूँ. यहाँ पे एंड हुआ मेरा, यहाँ पे मैं इसको यू पिन से होल्ड कर रही हूँ. बॉबी पिन से होल्ड नहीं करना क्योंकि हमें पुलिंग करना है. जब भी हमें पुलिंग करना है तो बॉबी पिन से लॉक कर दोगे तो वो खींचेगा नहीं, तो याद रखना है बॉबी पिन से, सॉरी यू पिन से ही उसको लॉक करना है. अभी जैसे एक एक पार्ट हुआ है ना, वैसे उसको साइमल्टेनियसली हम दूसरा पार्ट लेंगे. तो दोनों कैसे, एक दूसरे को ऐसे शेप में देंगे, इसी रीजन से हमने दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट. अभी ये एक लेवल लिया है तो हम यही लेवल से, पीछे से लेवल से एक पार्ट उठाएंगे. देखो ये इसके साथ में हम इसको मर्ज करेंगे, ये जो एक पार्ट मर्ज हो रहा है दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज करना है अभी हमें. ये एक पार्ट इसके साथ में मर्ज हुआ, अभी यही आगे से दूसरा इसके लेवल पे मर्ज करूंगी. देखो वापस से थर्ड, ये पार्ट जो थर्ड इधर से जा रहा है उसको मैं इधर से लूंगी. आपका अगर टर्निंग प्रॉपर रहेगा ना तो वो खुद से एक दूसरे को मर्ज करता जाएगा, फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये टर्निंग इधर से आया तो उसको उधर से लेना है. टर्न दोनों जगह पे प्रॉपर रखो. यहाँ पे दोनों ऊपर की साइड, अभी यहाँ पे ऐसे 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 नीचे की तरफ जाएगी हमारी यूपी. टर्न, सिर्फ टर्निंग को ओपन करते जाओ बस. देखो यहाँ पे पिन डाली मैंने, नीचे की तरफ गई है और ऊपर वाला मैंने ऊपर की तरफ, तो ये कैसे ऊपर और नीचे ऐसे एक दूसरे को मर्ज होगा. ये हो गया, इसको यहाँ पे लॉक कर दिया. अभी इसको भी हम स्प्रे कर देंगे. ये देखो
फिर सारी यूपिन्स आपको एट द एंड लास्ट में निकालनी है। अभी ये पार्ट जो हमारा बचा हुआ है हम उसको यूज करेंगे, इसको ऐसे पकड़ना है ऊपर की साइड, बालों को ऊपर की तरफ स्प्रे करो यहाँ से, और उसको सिर्फ प्रेस कर दो। प्रेस करने के बाद यूपिन लेनी है और ऊपर के डायरेक्शन में रख के छोड़ देंगे, और फिर उसको यहाँ पे पकड़ना है, बालों को कोम करो और इसको स्प्रेड करो थोड़ा सा इसके नीचे, उसको लॉक कर दो। फिर सारे यूपिन्स ये वाला जो अभी अभी लगाया है वो एकदम से नहीं निकालना, में आपका ब्रॉच का पोजीशन कैसे होगा ये साइड में बहुत कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जहां से यहाँ पे यहाँ से पार्ट नहीं है तो यहाँ से ऐड करो और हल्का सा इसके ऊपर लेके जाओ, बस ये आपका ब्रॉच का पोजीशन हो गया। या आपके पास कुछ ट्रेडिशनल ब्रॉच है तो यहाँ से ऐसे लगाओ, या यहाँ से सिर्फ ऐसे इतना लगाओ, वो साइड के पार्ट को हाइड मत करो, ये पार्ट को हाइड नहीं करना है हमें। यहाँ से हमारा ये वेरिएशन दिखना चाहिए, जब वो पीछे जाता है तभी वो ब्रॉच का लुक स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों को कंटिन्यूएशन ही रखना है। देखो एनी डाउट्स, किसी को नहीं समझा रहेगा किसी को नहीं समझाए तो पूछो तो मैं बताऊंगी, या समझ में आया प्रैक्टिस करना, कभी नहीं समझ में आएगा तो मेरे को पूछना। फाइनल लुक है ये, फ्रंट बैक साइड बन है ये, या मिडल बन भी बना सकते हो।